दोस्तों समझेंगे इलीजा रोव सर्जरी के बारे में। आपने अक्सर ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर के पास देखा होगा कुछ मरीजों के पैर में इस तरह का जाल लगा होता है, छल्ला लगा होता है, और इसी को बोलते हैं इलीजा रोव सर्जरी या इलीजा रोव प्रोसीजर। ये क्या होता है, क्यों किया जाता है, खर्चा कितना आता है, सेफ है नहीं है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए इसकी कि भाई शुरुआत कैसे हुई, जब द्वितीय विश्व युद्ध मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो वहां पर एक डॉक्टर थे, उनका नाम था इलीजा रोव। ठीक है, 1968 की बात है। जब लोगों की हड्डियां टूट जाती थी तो उनके पास कुछ सॉल्यूशन नहीं रहता था, हड्डियों में जो गैप आ जाता था, हड्डियां जुड़ नहीं पा रही हैं, हड्डियां अनयूनियन फ्रैक्चर हो गए हैं, वो जुड़ ही नहीं सकती हैं, तो इन्होंने क्या किया था, एक टेक्निक बनाई, साइकिल के पहिए होते हैं ना, उनसे उनकी जो टान होती है, बोलते टान बोलते जो, तो उससे हड्डी को फिक्स करने की कोशिश की और ये सक्सेस हुई, बहुत से लोगों को इससे आराम मिला। फिर इसको धीरे 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 दोस्तों पोलियो के जो पेशेंट होते हैं, पोलियो के जो बच्चे, उन पर भी ट्राई किया गया, उनकी टांगें सीधी होने लगी। तो इस तरह से सन 2000 तक आते आते पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो गया, हर डॉक्टर हर हॉस्पिटल में इसकी प्रैक्टिस होने लगी। तो ये है इलीजा रोव। अब क्यों करते हैं, देखो फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूट जाती है, जुड़ नहीं पा रही है, या बोन लॉस हो गया है, हड्डी है ही नहीं, या आपको पैरों की लंबाई बढ़ाना है, हड्डियों के बीच में गैप आ गया है, पैर मुड़े हुए हैं, पोलियो की आपको शिकायत है, किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी है आपके बॉडी स्ट्रक्चर में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली दोस्तों किसी भी तरह के फ्रैक्चर को ठीक करता है। फ्रैक्चर ऐसा जिसमें इन्फेक्शन हो गया तो वो ठीक नहीं हो पाता, तो इन्फेक्शन अगर है तो आप इलीजा रोव कर दो, अगर हाथ पैर मुड़े हुए हैं तो इलीजा रोव कर दो, और यहाँ पे अनयूनियन फ्रैक्चर तो इलीजा रोव कर दो। ये मैजिक है, ये एक रामबाण सर्जरी है, और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा की जाती है। अगर डॉक्टर के पास लगता है कि भाई अब नहीं जुड़ सकती हड्डी, तो इलीजा रोव प्रोसीजर करना ही पड़ता है। 6 महीने, 1 साल और कई लोगों में 2 साल का समय भी लगता है हाथ पैरों को ठीक होने में। बॉडी में, हाथों में या पैरों में आई हुई किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए ये यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, रिंग्स होती हैं, छल्ले होते हैं, उनमें दोस्तों वायर्स डले होते हैं, तार बोलते हैं जैसे, तो ये वायर्स को आपकी हड्डी से कनेक्ट करके इस तरह से आप देखें फोटो में, इस तरह से आपकी हड्डी में से इसको बोन में से घुसा के आर पार किया जाता है, और ये छल्ले में जो है दोस्तों इसको फिट किया जाता है। इसको दोस्तों समय समय पे एडजस्ट भी करना पड़ता है, हो सकता है कि एक दिन में 1 mm का इसमें आपको करेक्शन करना पड़े। इसके नट बोल्ट को जब टाइट करते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है। इसका जो बीच का प्रोसीजर है दोस्तों, जो बीच में छल्ला लगा होता है वो मूव भी करता है, जब आप उसको नट खोलेंगे और टाइट करेंगे तो ये ऊपर नीचे होता है। इससे क्या होगा कि जहाँ पे आपकी हड्डी, सपोज ये आप देख सकते हैं हड्डी के बीच में गैप है, तो जो हड्डी के बीच में गैप है, जब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ऑस्टियोजेनेसिस होता है, मतलब कि कैलस फॉर्मेशन। कोई भी हड्डी होती है जुड़ती है, ऐसी ही कैलस बनता है, लेकिन अगर हड्डी बहुत ज़्यादा टूटी होगी तो उसमें कैलस नहीं बन पाता। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, समय समय पर धीरे 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 उसको दूर करना पड़ता है और हड्डी बनने लगती है। और ये टेक्निक दोस्तों बहुत ज़्यादा की जाती है, और इससे लोगों के हाथ पैर सीधे होते हैं, हड्डी टूट गई है, गायब हो गई, वो बन जाती है, नई बन जाती है। थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं कि दर्द ना हो, पेनफुल होता है, थोड़ा सा होता है जब, और ऐसा नहीं कि आपने एक बार इलीजा रोव करवा लिया तो आप घर पर पड़े रहो, समय समय पर जाना पड़ता है, उसके नटों को टाइट कराना पड़ता है, वायर को टाइट कराना पड़ता है, रिंग हो सकता है चेंज भी करना पड़े, रिंग वायर ये सब समय समय पे चेंज करना पड़ते हैं। इलीजा रोव कई लोग देख कर डर जाते हैं, सोचते बहुत महंगा होता है, तो देखो महंगा तो है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक लग जाता है इस एक सर्जरी कराने में, लेकिन काम का भी है। अगर आपके हाथ पैर ही टेढ़े हैं, हड्डी नहीं बन रही, तो बन जाती है, इससे 100% रिजल्ट मिलता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आप जो है एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, बिस्तर पर आपको रहना पड़ेगा, और थोड़ा सा 1-1.5 साल आपकी ख़राब होती है, लेकिन आपका हाथ पैर सही हो जाता है। कई लोग हाइट बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, हाइट किसी छोटी होती है तो इलीजा रोव करवाते हैं तो हाइट 1 से 2 इंच तक बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो आप डरे ना, करा लें। ठीक है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। और वीडियो में आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
और ये चीज यहाँ बता दूं दोस्तों, ये जो मेटल होता है दोस्तों, ये एक टाइटेनियम का भी हो सकता है और एक एलॉय मेटल होता है, मतलब कि इसमें जंग वगैरह नहीं लगती है, ठीक है। एल्यूमिनियम ये सब मिक्स होता है, मेटल वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है इसलिए, और ये महंगा हो जाता है समय समय पर ड्रेसिंग, ये खर्चा बनता रहता है। तो ये होता है दोस्तों क्या इलेजरो प्रोसीजर। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।